हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ पॉकेट नोवेल की एक स्टोरी का रिव्यू शेयर करना चाहूँगी, जिसका नाम है तेरे लिए जानम। इसकी ऑथर हैं धारा श्री। एंड ये स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहते हैं हर इंसान का अपना एक अतीत होता है, जिसे ना चाहते हुए भी वो भूल नहीं पाता, और वो अपने इसी खालीपन को पूरा करने के लिए ढूंढता है एक ऐसा सोलमेट जो उसकी फीलिंग को करीब से समझता हो। ऐसे शख्स की तो हमें भी तलाश है। खैर, हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। राम रघुवंशी, जो है रघुवंशी खानदान का बड़ा बेटा और नंबर वन बिजनेसमैन, जो अपने अतीत से ऊपर उठकर पूरे 15 साल बाद भारत लौटा है। वहीं दूसरी ओर है अनुराधा ठाकुर, जो है एक हादसे में अपनी ज़िंदगी की मनमौजी अंदाज को खो चुकी हैं। फिलहाल रघुवंशी एम्पायर में जॉब करती हैं। क्या होगा जब राम और अनुराधा की मुलाकात होगी? इस स्टोरी में जो हमारे राम रघुवंशी हैं, उनकी अपनी फैमिली से इतनी बनती नहीं है, पर उनकी फैमिली उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड इनकी फैमिली के भी कई राज हैं, इनके साथ कुछ हुआ होगा राम रघुवंशी के साथ। खैर, अभी इस स्टोरी में इतना मतलब उनके पास्ट के बारे में कुछ बताया नहीं है। इनकी लाइफ में भी कई राज हैं, और हम बात करें अनुराधा की, तो पहली नज़र में ही प्यार करने लगते हैं राम उनसे। और अगर बात अनुराधा की करें, तो उनकी पूरी लाइफ ही एक सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई है, जो राम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। राम रघुवंशी हमारे हीरो, अनुराधा की लाइफ में इतना दर्द है कि उसे पैनिक अटैक आते हैं। एंड क्यों अनुराधा के परिवार ने उसे खुद से अलग कर दिया, और अनुराधा की लाइफ में इतना दर्द देने वाला कौन है जिससे वो इतना डरती हैं? और क्या कभी राम लगा पाएगा अनुराधा के पास्ट को का जो पता? इस स्टोरी में अभी सिर्फ 29 एपिसोड आए हैं, एंड ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसे पढ़ने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। आगे के एपिसोड का मैं इंतज़ार करती हूँ, और कई राज खुलेंगे। अगर आपको सस्पेंस, लव, रॉयल लाइफ स्टाइल भी मिलेगी इस स्टोरी में, एंड पास्ट भी है, और आपको इसमें विलेन की एंट्री भी देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से। तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है, और अगर आपको इस स्टोरी को पढ़ा है, तो मेरे साथ आप भी रिव्यू शेयर कीजिए मेरे साथ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।